कौन कहेगा कि यहाँ ना तो कोई मंदिर है और ना ही कोई पूजा की जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ लोग आते हैं अपने मन की शांति के लिए। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फोन कॉल से। कहाँ हो भाई, कितने दिन में चलेगा? बस भाई निकलने ही वाला हूँ। जिस तरह एक निब्बा अपने निब्बी के बिना अधूरा होता है, उसी तरह सफर में दोस्त का होना भी बहुत जरूरी होता है। तो लेटेस्ट टेम्पल पहुंच चुके हैं, फिलहाल जा रहे हैं थोड़ा बहुत घूमने। सोचे थे कि चलो लो यानी से भी थोड़ा बहुत घुमा देते हैं। मैं भी कभी लोटस टेम्पल गया नहीं, यहाँ से नहीं यार, इधर से नहीं। चलो मैं भी वैसे लोटस टेम्पल कभी गया नहीं, इसी के बहाने थोड़ा बहुत घूम लूँगा। और फर्स्ट टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आईफोन 12 से, जो कि मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है। आप लोग बताओ कि इसका वाइड एंगल कैसा है। फाइनली पहुंच चुके हैं लोटस टेम्पल, अब एंटर कर चुके हैं। अब जो मस्त शॉट देखने को मिलेगा वो अब देखने को मिलेगा। अगर आप मॉर्निंग में या फिर दोपहर में इन जगहों पे जाते हैं तो फिर आपको ये बिल्कुल नॉर्मल ही लगेगा, लेकिन अगर आप शाम में जाते हैं तो सीन्स कुछ ऐसे हैं। गाइज वी आर इन लोटस टेम्पल, अभी हम लोग शूट करने आए, थोड़ा बहुत फोटो शूट भी किए और वीडियो रिकॉर्डिंग भी किए हैं, मस्त मस्त। पहले मेरे फोन में बिल्कुल भी वाइड एंगल नहीं था, बट स्टिल इस फोन में बहुत ज्यादा वाइड एंगल है। लोटस टेम्पल का नाम सुनने में ऐसा लगता है जैसे क्या ही कोई अच्छा सा मंदिर होगा और बहुत सारे लोग यहाँ पे पूजा करने आते होंगे, लेकिन यहाँ अंदर आने के बाद ऐसा लगा जैसे किसी अलग दुनिया में आ गए हैं। शाम होने के बाद हम चले कुतुब मीनार की ओर। सो गाइस अभी हम लोग कुतुब मीनार के पास आ चुके हैं। काफ़ी सुंदर लग रहा है यार, इसमें जो लाइट्स है ना यार, और भी ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं। और रात में आने का ही फ़ायदा है, दिन में आएंगे तो इतनी सारी धूप होगी, अच्छा नहीं लगेगा। ज़्यादातर टूरिस्ट अट्रैक्शन ना रात में ही मज़े आते हैं। वैसे आसपास घूमने के लिए बहुत सारी इमारतें भी है, तो आप चाहे तो यहाँ पे घूम सकते हैं।